सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रात की रानी के पौधे को अपने घर पर कैसे लगाएं, और ये काफ़ी सस्ता तरीका है। और आप मेरी वीडियो के एंडिंग तक बने रहोगे तो आप भी इसको सीख जाओगे। तो आपको जो रात की रानी के पौधे की ब्रांच है उसको काट के लिया ना, देख सकते हो ये हेल्दी ब्रांच है, जो कि देख सकते हो इसमें ट्रिपल इसकी ब्रांचेस निकली हुई है। तो आपको ऐसी एक ब्रांच को चूज़ करना है और इसको ऐसे कट कर लेना है। तो जो इसके फूल थे मैंने इसके हटा दिए हैं और ये ऑलरेडी सूख ही जाएंगे, तो आपको उसको ऑलरेडी कट करके हटा देना। और मेरे पास एक पॉट रखा है, उसके अंदर मैंने सॉइल फिल किया है और आप उसमें वर्मिंग कंपोस्ट भी मिला सकते हो। तो इसमें ऑलरेडी मिला पड़ा है तो मैंने इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ कोकोपीट, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने घर पर बनाया है, जो कि नारियल के छिलकों को निकाला है इसे। तो इसको भी इसके अंदर फिल कर देंगे। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्लांट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन के नाम से इसको जाना जाता है। आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। और ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा फ्रैगनेंस करता है रात के टाइम, और काफ़ी लोग इसको लगाते हुए, अगर जो आप इसे ज़मीन पर लगाते हो तो काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि ये एलोवेरा है, एलोवेरा के जो जेल होता है मैं इसको इसके टहनी के ऊपर लगाने वाला हूँ, और ये मैंने इसके लगा दिया। अब आपको ये पॉट के अंदर फिट करके और इसको अच्छे से दबा देना है, जो कि आपकी जो ब्रांच है वो हिलनी नहीं चाहिए। और ये कोकोपीट भी मैंने इसके ऊपर फील कर दिया, अब मैंने इसको प्रेस कर दिया अच्छे से, और प्रेस करने के बाद आप इसमें वाटरिंग कर सकते हो। और ये आपकी 35 डेज़ के अंदर ये ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और अच्छी खासी इसमें लीफ आ जाएंगे, फ्लावरिंग में होनी शुरू हो जाएगी। और आप हमें कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको इसमें क्या अच्छा सीखने को मिला, और आपने इस वीडियो में क्या जाना आप मुझे कमेंट कर देना गाइस।